देखिए कल जो आपको पढ़ाया गया था, अब उसके आगे जो टॉपिक है चैप्टर अभी नया नहीं स्टार्ट होगा, वो तो ऐसी इसलिए हड़काने के लिए बोल दिए थे, अभी थोड़ा स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अरे क्या बताएं, हम तुम रखो ना यार, हमको सब पता है, किताब बंद करो, यही दिन रात कर रहे हैं, अब हमको किताब दिखा रहा है क्या पढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए आपको पढ़ना है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो होता है वो बहुत ही VVI पोर्शंस है, बोर्ड एग्जाम्स में साइक्लोट्रॉन जो होता है सब्जेक्टिव में अभी तक 20 साल में कम से कम 10 बार पूछा है ये क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना। हाँ 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है साइक्लोट्रॉन, कभी CBSE में, कभी बिहार बोर्ड में, कभी CBSE में, देखिएगा 10 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन 5 नंबर में। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है ना। जैसे आपका कल जो कराया गया था सॉलिनॉइड वगैरह जैसे कराए थे ना, उसी टाइप का टॉपिक है, ठीक है ना। तो आपको साइक्लोट्रॉन को समझने के लिए कुछ चीज़ समझना होगा, इसमें कुछ बेसिक बात है वो समझना होगा, ठीक है ना। जैसे चार्ज मूविंग चार्ज अंडर द गिवेन मैग्नेटिक फील्ड रीजन, अगर कोई भी मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में अगर लिया जाए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो आपको समझ में आ गया कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अगर पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मान ली इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे आप रूम के बाहर थे, इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड हम भर दिए लाके, ठीक है ना, कोई सोर्स के जरिए, और आप पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही लेके आइएगा बस इस रूम से उड़ने लगिएगा, ज़मीन छोड़ के नाचने लगिएगा इसके चारों तरफ। फिल्म वगैरह में देखे होंगे, जीरो फिल्म देखे हैं, देखे हैं, शाहरुख खान जो है वो फ्लोर पर जाता है तो उड़ने लगता है, ठीक है ना, वहाँ यही केस होता है। मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जब कोई चार्ज बॉडी को लाया जाता है तो वो रोटेट करने लगता है उस फील्ड रीजन में, वो सरफेस भी छोड़ सकता है वहाँ पर। वो डिपेंड करता है कि जो फोर्स जनरेट हो रहा है, अगर वो वेट से ज़्यादा होगा तो सरफेस छोड़ देगा, और वेट से कम होगा तो ज़मीन के अंदर चल जाएगा, और वेट के बराबर होगा तो सरफेस पर होगा, क्लियर है, ठीक है ना। मगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर नहीं जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर नहीं जाता है। अब देखिए डायग्राम से इसको समझिए कैसे होता है ये। जैसे एक आदमी जो है पॉजिटिव चार्ज लेके चला, ठीक है ना, मान लेते हैं कि एक आप ऐसा कपड़ा पहन के आ रहे हैं जिसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज है और अंदर से इंसुलेटेड है, क्योंकि बॉडी में चार्ज भी नहीं जाना चाहिए क्या, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में लेके आएंगे तो वहाँ फोर्स लगेगा चारों तरफ से। अब मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, चारों तरफ से फोर्स लगने लगा है ना, तो ये क्या करेगा, मूव करने लगेगा ना, उस फील्ड में मूव करने लगेगा क्या। तो ये कॉन्सेप्ट साइक्लोट्रॉन में यूज़ होगा, अभी जो बताएंगे टॉपिक साइक्लोट्रॉन, उसका यूज़ किया जाता है, बड़ा बड़ा जो मशीन डिज़ाइन किया जाता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में जो होता है हाई वोल्टेज हाई करंट जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब आप बैटरी से ही बहुत पावरफुल करंट जनरेट करते हैं, है ना, बैटरी से AC चलने लगता है, AC में जानते हैं कितना आपका करंट का जरूरत पड़ता है, ट्रेन में कोई बिजली लगता है नहीं, वहाँ पर लगा रहता है, बैटरी से ही AC चलाया जाता है, ठीक है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा, उसी के लिए इसको समझना है। अब जैसे देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है, मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ जनरेट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगा तो यहाँ पर अगर एक चार्ज पार्टिकल को लाया जाएगा, जैसे इस फील्ड रीजन में चार्ज पार्टिकल को लाएंगे, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर नहीं जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ही रोटेट करने लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर आपका नहीं जाएगा। जैसे एक चार्ज पार्टिकल है, अब चार्ज पार्टिकल को, जैसे ये चार्ज पार्टिकल है और इसको आप यहाँ पर एक्सेलरेट कर रहे हैं, इसको स्पीड दे रहे हैं, मान लीजिए इसका स्पीड यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं भी स्पीड से इसको मूव करा रहे हैं। जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, मान ये एंगल थीटा है, तो इसका दो कंपोनेंट तैयार होगा, जैसे भी कोई स्पीड दिया जाता है तो स्पीड का दो कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट होगा V1, जो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा V cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा आपका V2 कितना हो जाएगा V sin थीटा। या अगर आप सीधे ऐसे अगर थ्रू कीजिएगा तो भी रीजन जनरेट होगा, ठीक है ना, मगर इस डायरेक्शन में हम नहीं फ्लो कराएंगे, इस डायरेक्शन में कराएंगे तो ये बाहर निकल सकता है, ठीक है ना। जैसे इस रीजन में हम फ्लो कराएंगे तो इसका ये कंपोनेंट जो होता है वाई कंपोनेंट क्या करेगा कि एक रीजन तैयार करेगा, यहाँ पर एक रीजन तैयार करेगा इस तरह से, जो रीजन जो होगा सर्कुलर टाइप का होगा, ये रीजन कैसा होगा,
मतलब ये चार्ज आपको एकदम स्ट्रेट नहीं जाएगा। अब किसी मशीन से आप इसको छोड़े होंगे तो उस समय तो स्ट्रेट जाएगा ही ना, मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही इन करेगा रोटेट करने लगेगा, रोटेट करते करते आगे बढ़ेगा, है ना। मैं मैग्नेटिक फील्ड में ही ये रुका रहेगा, ठीक है ना। मैं मैग्नेटिक फील्ड में रुकने के लिए भी कंडीशन है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिएगा तब, ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन ही रुक जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा तो फिर बाहर निकल जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तब मैग्नेटिक फील्ड में ही ये रोटेट करते ही रहता है कंटिन्यू ऑर्डर में। उसी के बारे में साइक्लोट्रॉन जो हम पढ़ाएंगे अगला टॉपिक उसमें बताएंगे, ठीक है। पहले तो इसको समझना है कि चार्ज जब रोटेट करेगा तो यहाँ पर कई तरह का फिजिकल इफेक्ट जनरेट होता है। जैसे देखिए होता क्या है कि ये चार्ज जो है रोटेट इस तरह से करेगा, देखिए यहाँ पर ये चार्ज है, ठीक है ना। ये चार्ज आपका जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ले रहे हैं, ठीक है ना, अंदर की तरफ ले रहे हैं, बाहर की तरफ भी ले सकते हैं। अब डायरेक्शन तो ये डिसाइडेड है नहीं, अपने मन से डायरेक्शन हम ले रहे हैं। मान लेते हैं कि सर्कुलर रिंग जो तैयार हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा, दो ही कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है ना। और इसमें जो चार्ज को जो आप फ्लो करा रहे हैं तो चार्ज जो फ्लो करेगा वो जो है सर्कुलर पाथ पर अगर देखा जाए तो टेंजेंशियली ये रोटेट करेगा। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में अगर चार्ज को फ्लो करेगा कोई भी पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को, तो उसका डायरेक्शन जो है डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड रीजन पर, मैग्नेटिक फील्ड रीजन के हिसाब से ये रोटेट करेगा। देखिए अगर चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, इसलिए क्रॉस मार दिया हम पहले। क्या जैसे यहाँ पर देखिए ये पॉइंट पर चार्ज मूव करेगा टेंजेंशियली, वी टू ली है ना, ठीक है ना, इस पर वी टू, इस पर वी टू, स्पीड ऑफ चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज जैसे ही मूव करेगा करेंट का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। ये एक्चुअल डायरेक्शन है करेंट का ही, जैसे इस डायरेक्शन में जाइएगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, 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 है ना। तो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब यहाँ पर ये रीजन जो तैयार करेगा तो आपको ये बताना है कि अगर स्पीड आप दे रहे हैं तो कितना स्पीड दे रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कुछ ना कुछ तो दीजिएगा ही ना चार्ज पार्टिकल को। तो जिस तरह से चार्ज पार्टिकल को आप स्पीड जनरेट कराएंगे वैसा ही सर्कुलर रीजन तैयार होगा। बड़ा रीजन भी तैयार हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। तो आपको इसमें निकालने के लिए देगा कि फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सर्कुलर रीजन वेन अ चार्ज गिवन इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन। अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन को चार्ज में लिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में किसी चार्ज को लिया जाएगा तो सर्कुलर रीजन जो बनेगा उसका रेडियस निकाल के बताइए। जेई में, नीट में इसे कई बार क्वेश्चन आया है, नीट में तो हमेशा ही पूछा गया है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड वगैरह में दे देता है, इनसे कई फॉर्मूला बनता है इस टॉपिक से, ठीक है ना। फिर दे देगा कि इसका स्पीड निकाल के बताइए, फिर दे देगा कि आप इसका मास निकाल के बताइए, ठीक है ना, टाइम निकाल के बताइए, फ्रीक्वेंसी निकाल के बताइए, लीनियर स्पीड निकाल के बताइए, एंगुलर स्पीड निकाल के बताइए, सारा चीज़ यहाँ से जनरेट होगा। तो सबसे पहले तो हम रेडियस निकालेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड रीजन में क्या होता है कि अगर मान लेते कि ये चार्ज अगर इस तरफ बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ लगेगा, तब ना इस पॉइंट पर इसको बांध के रखेगा। इस पॉइंट पर रेगुलर वे में कब रहेगा, जब एक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा तो एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, या एक फोर्स इधर लगेगा तो एक फोर्स इधर लगेगा। मतलब एक फोर्स जो होता है स्यूडो फोर्स होता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। 11th में पढ़े होंगे आप कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर तब तक चलेगा जब तक उसके सेंटर पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और एक स्यूडो फोर्स जो होता है काल्पनिक फोर्स जिसको बोलते हैं वो बाहर की तरफ लगते ही रहता है, तभी वो सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है। जैसे एक रस्सी से कोई चीज़ को बांध के नचाइएगा तो नाचते ही रहता है ना। कब तक नाचते रहता है, जब तक कि रस्सी टूट नहीं जाता है। रस्सी कब टूटेगा, जब बाहर वाला फोर्स जो होगा अंदर वाले फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, है ना, और जब ज़्यादा नहीं होगा तो रोटेट करेगा। तो सेम वही केस है, अब यहाँ तो रस्सी है नहीं और ना यहाँ पत्थर है, ये चार्ज है ना, इसको देख सकते हैं ना, सुन सकते हैं ना, समझ सकते हैं, सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा होता है क्या। तो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जब चार्ज ये रोटेट करेगा तो इस सर्कुलर पाथ कब बनाएगा, जैसे रोटेशन तो हो रहा है, स्पीड तो दे दिए आप इसको, एक्सेलरेट तो करा दिए, एसी ऑसिलेशन पर चार्ज पार्टिकल को रोटेट करा दिए हाई फ्रीक्वेंसी से या हाई वोल्टेज देके, है ना। जैसे ही इसको हम स्पीड देंगे मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, तो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जैसे ही इन करेगा ये सर्कुलर पाथ तैयार करेगा, और सर्कुलर पाथ जब तैयार करेगा तो यहाँ दो फोर्स जनरेट होगा,
एक फोर्स जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और एक फोर्स रोटेशन के वजह से जनरेट होगा, है ना। तो रोटेशन की वजह से जो फोर्स जनरेट होगा दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका वैल्यू क्या होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जो फोर्स जनरेट होता है वो क्या होता है, क्या होता है फोर्स का, क्यू वी बी साइन थीटा, याद है सेकेंड क्लास में पढ़ाए होंगे आपको, है ना। तो यहाँ पर होता है क्या है कि हेयर गिवेन अ चार्ज प्लस क्यू हुज स्पीड इज वी विथ हॉरिजेंटल विथ एंगल थीटा हुज नॉर्मल कंपोनेंट जो होता है, नॉर्मल कंपोनेंट इसका कितना होगा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वी जो होगा इज वो हो जाएगा आप कितना, वी का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका वी टू, जिसका वैल्यू कितना होगा वी साइन थीटा, ठीक है ना। एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो इसका होता है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसका जो निकलेगा कंपोनेंट ऑफ वी दैट इज द वी वन वी कॉस थीटा, ठीक है ना। एंड ड्यू टू वी टू इक्वल टू वी साइन थीटा रोटेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज पॉसिबल इन गिवेन मैग्नेटिक फील्ड रीजन, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रोटेशन पॉसिबल होगा, और रोटेशन होगा तो पाथ कैसा बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा। पहले आप इसको उतारिए तब आगे बताते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहाँ पर आप जैसे ही जनरेट कीजिएगा तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए ये सेंटर है तो सेंटर पर होता क्या है, जैसे ये सेंटर है तो यहाँ पर जैसे एक फोर्स जनरेट हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट अंदर की तरफ हुआ, कितना एफ इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो है टेंजेंशियली देखा जाए तो 90 डिग्री है, तो थीटा यहाँ पर कितना बनाएगा, ये हो जाएगा क्यू वी वी साइन 90 डिग्री, है ना। ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन 91, मतलब क्यू वी बी आ जाएगा, मतलब आपका यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो जनरेट करेंगे वो वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, वो वैल्यू आपका हो जाएगा क्यू वी बी के बराबर, है ना। When a charge is rotated under the given magnetic field region, then rotated under the given magnetic field region, then F equal to QVB sin theta is equal to the mv2 square by r, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपका है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा, जैसे रोटेशन की वजह से जो फोर्स जनरेट होगा उसके क्या होगा, ये बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो वैल्यू लिख रहे हैं mv2 square by r, ये वैल्यू कितना होगा, ये q v2b के बराबर होगा, इसको V2 लिख लीजिएगा, V2 हम लेके चल रहे हैं वहाँ पर क्या, तो ये वैल्यू जो आपका आ रहा है इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो एम वी टू बाई आर इक्वल टू क्या होगा, क्यू बी के बराबर होगा, तो V2 इक्वल टू कितना हो गया, V2 इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर बी बाई एम, मतलब ये आपका चार्ज पार्टिकल का स्पीड निकल गया किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में। अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में किसी चार्ज पार्टिकल को आप रोटेट कराना चाह रहे हैं तो ये स्पीड देना पड़ेगा उसको, तभी जाकर रोटेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा तो। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया रहेगा और ये स्पीड दे देगा तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड जो निकालेंगे तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी टू एम बाई
क्यू आर हो जाएगा। सर्कुलर पाथ में अगर रोटेट करना चाहते हैं तो बी का वैल्यू निकल जाएगा, सर्कुलर पाथ दिया रहेगा तो, ठीक है ना। वी टू का वैल्यू क्या है, वी साइन थीटा है, ये थीटा अलग है और वो थीटा अलग है, वो तो आप मैग्नेटिक फील्ड रीजन का थीटा था, इसको अल्फा मान लीजिए या कुछ और भी मान सकते हैं, उसको आप इसको थीटा नहीं मान के कुछ और मान लीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, अल्फा मान लीजिएगा समझने के लिए। तो वी साइन थीटा दिस इज द नॉर्मल स्पीड है, क्या नॉर्मल स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का नॉर्मल स्पीड का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में इसको नॉर्मली जब हम फेंकेंगे ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रहा है और इसको जब ऐसे चार्ज इसके पास कराएंगे तो ये ऐसे नहीं जाके ये रोटेट करने लगेगा, है ना, सर्कुलर पाथ बना लेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपका आएगा वी टू का जो वैल्यू है, इसको क्यू आर बी बाई एम जो लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसको आप वी भी मान सकते हैं, वी इक्वल टू क्यू आर बी बाई एम लिख सकते हैं। ये जो हो गया स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल का स्पीड है, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल का स्पीड है अंडर द गिवन मैग्नेटिक फील्ड रीजन। मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ये आपका स्पीड होगा वी इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर बी बाई एम। क्यू आर बी बाई एम क्या होगा, स्पीड होगा चार्ज पार्टिकल का, ठीक है ना। रेडियस जब निकालेंगे तो आर इक्वल टू क्या होगा, वी एम बाई क्यू बी। रेडियस निकालने के लिए जनरली दिया जाता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को नॉर्मली अगर मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा, चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल दिया रहेगा, और नॉर्मली जब थ्रो किया जाएगा तो रेडियस निकालने के लिए दे देगा। वी क्या है, नॉर्मल स्पीड। यहाँ पर वी क्या है आपका, वी इज द नॉर्मल स्पीड है, ठीक है ना, नॉर्मल स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का आपका नॉर्मल स्पीड है, ठीक है ना। और एम क्या है, मास है चार्ज पार्टिकल का, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। बी बी तो जान ही रहे हैं, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। और वी हो गया, आर रेडियस हो गया, दिस इज द रेडियस। अगर रेडियस पूछ देगा कि कितना बड़ा साइज बनाएगा, कितना सर्कुलर रीजन बनेगा, कितना बड़ा साइज बनेगा, तो उसके लिए रेडियस निकालना पड़ेगा। या पूछेगा कि रेडियस ही निकाल के बताइए, तो इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, क्या रेडियस निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने के लिए देगा तो स्पीड इससे निकाल लीजिएगा, क्या स्पीड जब निकल जाएगा आपका तो एंगुलर स्पीड भी निकालने के लिए दे सकता है। इसको मेरा अभी नहीं उतारे, उतारे जल्दी, उतारे जल्दी, उतारे बोला नहीं पढ़ाया था, और नया चैप्टर सर आप आज छोड़िए ना, वो होता है कभी कभी, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका है एंगुलर स्पीड निकालने के लिए देगा, लीनियर स्पीड कितना होगा, देखिए लीनियर स्पीड की बात करेंगे तो वी इक्वल टू आप निकाले हैं क्यू आर बी एम। अगर लीनियर स्पीड नहीं दिया रहेगा चार्ज पार्टिकल का और मैग्नेटिक फील्ड रीजन में अगर वो सर्कुलर पाथ बना लेता है और रेडियस दे देगा तो आप इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा लीनियर स्पीड। क्वेश्चन तो बहुत तरह का पूछ सकता है ना, स्पीड दिया रहेगा तो फिर ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिएगा। एंगुलर स्पीड निकालने के लिए देगा तो एंगुलर स्पीड कैसे निकालिएगा, तो एंगुलर स्पीड इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा। और आप जानते हैं कि वी इक्वल टू होता है ओमेगा आर, वी इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर। लीनियर स्पीड जो होता है एंगुलर स्पीड इंटू रेडियस होता है, क्या। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू कितना होगा, वी बाई आर, ठीक है ना। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी का वैल्यू है क्यू आर बी बाई एम बाई आर, आर से आर कट जाएगा, ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया क्यू बी बाई एम। मतलब चार्ज पार्टिकल का एंगुलर स्पीड भी निकाल सकते हैं, अगर सर्कुलर पाथ बनाएगा तो उसका अपना एंगुलर स्पीड भी होगा, है ना। एंगुलर स्पीड क्या होगा, क्यू बी बाई एम। चार्ज पता होना चाहिए, मास उस पार्टिकल का पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा गामा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, एंगुलर स्पीड निकल जाएगा, ठीक है ना। एंगुलर स्पीड निकल गया तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए भी देता है, फ्रीक्वेंसी म्यू होता है। और आप जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, टू पाई म्यू। ये क्वेश्चन नीट में पूछा है 2017 में फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, ठीक है ना। म्यू इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा बाई टू पाई। ओमेगा कितना है, क्यू बी बाई एम बाई टू पाई। मतलब फ्रीक्वेंसी कितना निकल गया, क्यू बी बाई टू पाई एम। बिहार बोर्ड में डायरेक्ट यही फार्मूला पूछ देता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है चार्ज पार्टिकल का अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रोटेट करेगा, तो क्यू बी बाई टू पाई एम, बस इतना याद रखना है, क्या। उसके बाद टाइम पीरियड,
तो टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड जो होगा आपका, टाइम पीरियड टी होता है, ठीक है ना। तो टी इक्वल टू क्या होगा? टी इक्वल टू हो जाएगा 1/μ। तो फ्रीक्वेंसी जो निकला है वो कितना निकला है? qb/2πm, मतलब टी का वैल्यू हो जाएगा 2πm/qb, ठीक है ना। ये टाइम पीरियड निकल गया। अगर पार्टिकल रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो टाइम कितना लगेगा? 2πm/qb, है ना। m क्या है? तो मास है। किसका? मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल आप ले रहे हैं उसका मास हो गया, ठीक है ना। b आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। b आपका क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, ठीक है ना। q क्या है? तो चार्ज ऑफ द पार्टिकल, ये चार्ज है पार्टिकल का, ठीक है ना। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए इसको उतारिए। तो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स जो जेनरेट हो रहा था उसका वैल्यू था कितना था? मैग्नेटिक फोर्स का F इक्वल टू क्या था? qvb sin थीटा, याद है ना। या qv क्रॉस b, उसी फॉर्मूला को हम आप करंट के टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे आप चार्ज के टर्म में लिखे थे ना, उसी फॉर्मूला को हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ आपको निकालना है, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आपको निकालना है When a charge particle, एक चार्ज पार्टिकल जो है is moving with some speed under the given magnetic field region. Given magnetic field region, अगर आप rotate उसको कराते हैं या move कराते हैं under the given magnetic field region. तो इसमें बताया गया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन आप लेते हैं, जैसे बताया थे आपको कि अगर एक्स एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड को ले रहे हैं, ठीक है ना, और चार्ज पार्टिकल को जब हम यहाँ पर मूव कराएंगे पॉजिटिव चार्ज को स्पीड वी से, एंगल कितना बनाएगा? थीटा। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा वी कॉस थीटा और एक होगा आपका वी साइन थीटा। और मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा एफ, ये परपेंडिकुलर लगता है बाहर की तरफ, जिसका फॉर्मूला क्या लिखाया गया था, याद है आपको? F इक्वल टू लिखाया गया था qv क्रॉस b, ये फॉर्मूला बताए थे। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा qvb sin थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर F इक्वल टू जो आपका है qvb sin थीटा, तो आप q v को क्या लिख सकते हैं? अगर लेंथ के टर्म में लिखना चाहते हैं तो l/t लिख सकते हैं कि नहीं। स्पीड या वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम या डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। तो l/t लिखेंगे, l क्या है? कितना डिस्टेंस कवर किया चार्ज पार्टिकल, है ना, कितने टाइम में किया। तो l/t लिख सकते हैं इसको, और इसको लिखेंगे b। अब ये सारा चीज़ जो हम बता रहे हैं सिर्फ साइक्लोट्रॉन को समझाने के लिए, ये दो टॉपिक जो भी बताए हैं इसका यूज़ वहाँ पर होगा। ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा ही, थ्योरी में नहीं पूछता है, IIT मेडिकल में देता है इसे क्वेश्चन, मगर बोर्ड में सिर्फ साइक्लोट्रॉन में इसका यूज़ किया जाता है, जो हम बताएंगे अगला टॉपिक उसमें। तो यहाँ पर देखिए, इसको q/t लिखेंगे l(b)(sin θ), तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? चार्ज बाई टाइम क्या होता है जी? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करेंट होता है ना, ILB, ठीक है ना। देखिएगा, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कई बार पूछे हुआ है, कल जब क्वेश्चन कराएंगे ना, जब इसका कराएंगे क्वेश्चन, तो देखिएगा ये भी फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ILb, ठीक है ना, मतलब वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, FILb sin θ, ठीक है ना। अगर मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए देगा तो मैक्सिमम फोर्स के केस में, अब फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, तो मैक्सिमम फोर्स के केस में एंगल पर डिपेंड कर रहा है। अब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होता है? आप जानते हैं साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है कितना? +1, मिनिमम -1 होता है। तो मैक्सिमम फोर्स निकालना होगा तो +1 लेंगे, मतलब फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? ILb sin θ, आप 90 डिग्री रखिएगा तो ILb into 1, मतलब ILb जो होगा दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में किसी चार्ज को मूव कराते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए देगा लेंथ के टर्म में, तो ILb होगा। अगर आपको स्पीड के टर्म में देगा तो qvb होगा, है ना। स्पीड के टर्म में क्या होगा मैक्सिमम? तो ये होगा qvb। ये सब ऑब्जेक्टिव का ये सारा पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में यही सब पॉइंट देता है कि मैक्सिमम निकाल के बताइए, मिनिमम निकाल के बताइए। मिनिमम निकालने के लिए देगा तो आप क्या लिखिएगा? -ILb लिखिएगा, बस ये चीज़। अब इसका यूज़ हम करेंगे साइक्लोट्रॉन में, ठीक है ना। इसको जल्दी से ना उतारिए।
इसमें एक टॉपिक और पढ़ाएंगे, उसके बाद वो स्टार्ट होगा। अब तो टाइमो नहीं है कि अब स्टार्ट हो पाएगा। करेंगे तो वहाँ पर जो फोर्स जो जनरेट होता है उसी फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स, ठीक है ना। ये दो नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। एल ओ आर ई एन टी जेड लॉरेंज फोर्स, ठीक है ना। ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड रीजन और इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन दोनों के बीच में अगर थ्रो करते हैं स्पीड वी से, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल को, तो यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होगा। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू ये होता है ना, क्यू इंटू ई होता है। मैग्नेटिक फील्ड रीजन में क्या होता है फॉर्मूला, वी क्रॉस वी होता है ना। तो इस दोनों फोर्स को जब ऐड कीजिएगा F1 और F2 को, तो F1 प्लस F2 जो आएगा आपका वो हो जाएगा QE प्लस QV क्रॉस B, ठीक है ना। Q को कॉमन ले लीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B, ठीक है। मतलब आपका यहाँ जो फोर्स निकल रहा है QE वेक्टर प्लस V क्रॉस B, दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। इसी को क्या बोला जाता है, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल is moving under the given magnetic field and electric field region, then a net force नेट फोर्स इज अपीयर्ड अराउंड दिस फील्ड, इस फील्ड के अराउंड अपीयर होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, ठीक है। ये दो नंबर में ये क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, ठीक है ना। अब साइक्लोट्रॉन है तो वो तो आपको मंडे को ही कराया जाएगा। कल 7 बजे सारे बच्चे को आ जाना है किसी भी हाल में। जो नहीं आएगा मंडे को क्लास में घुसने नहीं देंगे उसको।